हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और अभी अभी बज रहे सुबह के 8 और हम लोग अभी जा रहे हैं शिव मंदिर पे जल चढ़ाने, और जल चढ़ाने के 1 या 1.5 घंटे बाद जुलूस निकलेगा। तो आज दिन और रात दोनों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सब जा रहा है, संदीप, रोहित, पुनीत और जल। बस हम और रोहित चढ़ाएंगे, संदीप और पुनीत हम लोग के साथ जा रहे हैं बस घूमने के लिए। तुम चढ़ाएंगे, तुम्हारा लोटा कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, हम लोग का वहाँ पे रखा हुआ है और ये दोनों बाइकें जाएंगी हमारे साथ और बाकी और भी फ्रेंड्स सभी आएंगे जुलूस में जाने के लिए। कौन कौन आ रहा है संदीप? रुद्रा, विकास और राहुल और पुनीत। वो आएगा कि नहीं? ओम प्रकाश आएगा, रोहित आएगा, वो कब आएगा? आधा घंटे बाद। आधा घंटा? तो भाई अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर उसके बाद 1 या 1.5 घंटे बाद हम लोग अभी चलेंगे जुलूस में और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। मंदिर जाने से पहले मैंने गमछा ले ली, एक गमछा मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास नहीं था और इसलिए मैंने खरीद लिया है। तो अभी से चलते हैं, जल्दी से जल चढ़ाते हैं भाई। मंदिर के अंदर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और इसके अंदर इतना ज़्यादा भीड़ है कि लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और क्या लगता है कब जाएंगे हम लोग अंदर? हो जाएगा लाइटा, आधा घंटे में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा भाई। देखो इतना ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ, पूरे पूरे लोग भरे हुए हैं। के बाद अभी हम लोग दूध चलाएंगे और दूध चलाने के बाद टीका लेके और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो सबसे पहले अभी दूध चलाते हैं। तो भाई अभी शिवरात्रि का जुलूस निकल चुका है और एक एक करके सारे डीजे निकल रहे हैं। जैसा कि इधर आप लोग देख सकते हैं सामने की तरफ एक डीजे वहाँ पे जा चुका है और पीछे एक से एक एक करके डीजे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं घर पे और बहुत ही ज़्यादा भाई थक गए थे घूमते घूमते और भाई धूप भी बहुत ज़्यादा था तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, एकदम पसीना पसीना हो रहा था और बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। लेकिन फिर भी घूमने में बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, आप लोगों ने वीडियो में तो देखा ही। और संदीप कैसा रहा माहौल? बहुत मज़ा आया, एकदम साइलेंसर रोहित का लगा हुआ था, एकदम फाट है आवाज़ कर रहा था।
बहुत ज्यादा, मतलब सरेंद्र बहुत ज्यादा आवाज पड़ी, बहुत बहुत ज्यादा आवाज, और एग्जॉस्ट था हम लोग पे, और संदीप की इस पे अभी एग्जॉस्ट नहीं है, ये लगवाने वाले गए थे ससुराल लगवाने, जब एक बार हम लोग गए थे स्कूल पे अपने तभी ये बोला था कि एक महीने में लगवा लूंगा, और अभी तक लगभग एक साल हो गया, एक साल होने वाला है अभी, क्या लगता है लग जाएगा, हो जाएगा, क्या लगता है मौसम कैसा था बताइए, मौसम तो बहुत धूप है आज, मौसम बहुत गड़बड़ है, और दिन का जुलूस पूरा खत्म हो गया और पूरा सबने एंजॉय किया, और अब बारी है रात की, रात को एक बार फिर से जुलूस निकलेगा, और जुलूस निकलने के बाद जब खत्म होगा तो शिव विवाह होगा, शिव पार्वती का विवाह होगा ना अपने, कहाँ होता है, दुर्गा पड़ा में होता है, तो अभी चलते हैं घर और मिलते हैं सबको, मतलब रात में शाम में मिलते हैं, ठीक है, अभी जाके सब लोग थोड़ा थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद सीधा आपको भी हम शाम में मिलेंगे, क्योंकि घर जाके मेरे को भी मतलब थोड़ा सा प्यास व्यास लगा, ऐसे पानी वानी थोड़ा बहुत पी के, और मैं भी मतलब थोड़ा सा अभी आराम करूँगा, सो जाऊँगा, तो चलते हैं अभी घर पे और शाम को मिलेंगे, ठीक है पुनीत, बाय बाय संदीप, पुनीत बाय बाय, अब सीधा शाम को मिलते हैं भाई। तो भाई अभी बज रहे शाम के 7 और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं जुलूस में जाने के लिए, और सब लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, राहुल है, रोहित है, और पुनीत है, और संदीप भी है, और अभी से जल्दी से निकलते हैं। रोहित ओ प्रकाश कहाँ है, अभी नहीं आया क्या, बोल रहे क्या, वो भी अभी आ रहा है, साथ में रोड पर मिलेगा, और फिर साथ में हम लोग जाएगा, रोकना पड़ रहा है क्योंकि लोग यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं।
इसीलिए हाईवे पे यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया गया है और इधर से सारे लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। और रोहित रुकवा रहा है गाड़ियाँ, रोहित रुकवा रहा है, ये बहुत क्रॉस कर रहा है। राहुल भी है, हम और राहुल डांस करने चले गए थे लेकिन फिलहाल बोला कि चलो फिर से चलते हैं, कर रहा है। सारे लोग यहाँ पे हाईवे क्रॉस कर रहे हैं इसलिए गाड़ियों को रुकवा दिया गया। तो भाई जुलूस खत्म हो गया यार, हम लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा मजा आया और डांस करते करते हम बहुत ज़्यादा थक गए यार। और अभी जुलूस दुर्गापड़ा में जाएगा क्योंकि वहीं पे मतलब शिव और पार्वती का मतलब विवाह होता है, शिव विवाह होता है, लेकिन हम लोग उधर नहीं गए, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, अभी 10 बज गया। तो हम लोग सोचते हैं अभी हम लोग घर चलते हैं और डांस कर करके भाई बहुत मज़ा, जितना मैं अपलोड करूँगा उससे मैं ज़्यादा मैंने कितना डांस किया मेरे को खुद नहीं पता है। और डांस करते करते मेरा शूज़ भी फट गया है और डांस के चक्कर में रोहित का भी शूज़ फट गया है। रोहित सूज कैसे फट गया तुम्हारा? देखो रोहित का सूज का हालत देखो, देखो आप डांस कर और ये भी फट गया था, ये और अभी ये लगे फट गया है। पुराना जूता पुराना था ना, कितना पुराना था जूता तुम्हारा? कम से कम 9 साल। ये मेरे 9 साल ये मेरे पापा का जूता है, पापा का जूता पहन रहा था इतने दिन, पापा का जूता है, पापा का। डांस करके तो सब बहुत ही ज़्यादा मतलब सब लोग ऐसे थक गए थे, तो सबके घर से कॉल आ रहा था, तब सब लोग बोले कि ठीक है तब अभी घर चलते हैं क्योंकि और आज पहले मतलब जुलूस डड़वा से होकर मोनिया आ भी गया है, पहली बार नहीं तो हर बार मतलब ऐसे लग जाता था बहुत टाइम। पिछली बार तो 12 बजे डड़वा से लौटा था और अभी बस 9:30 हो रहा है और फिर मतलब हम लोग आ गए डड़वा से, फिर सोचा कि ठीक है अभी घर चलते हैं। तो ब्लॉग को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, वंदे मातरम।